कुदरत तेरी माया बड़ी काल बना कृपान, हुआ गरम जो रक्त बहाया मानव हुआ कुर्बान। मजदूर नौकर चाकर घर जाते वो नंगे पाव, मानवता भी बिक गई जब बच्चे बूढ़े चले गांव। शर्म की तो हद हुई जब मानवता भी मर गई, लोग भूले हैं फर्ज अपने और हक के लिए लड़े वही। इंसानियत भी मर गई अब झुक गया सानो सम्मान, अब तलक ही गुंजाइश यही बचा ले ओ ईश्वर महान। कई महीनों से आज भी हमारा देश कोरोना से लड़ रहा है, ऐसा लगता है मानो कि कोई ब्रेक लगी हो, ऐसी ब्रेक जो मानवता को डुबा देती है। आज भी कई लोग घरों में बंद है तो कई लोग कमाई के लिए बाहर जा रहे, अपने बिजनेस और अपनी जॉब भी कर रहे, पर एक डर के साथ। यह डर कोरोना का नहीं पर आने वाले कल का है। हम आज कहीं ना कहीं इसी डर से जी रहे हैं कि आने वाला कल कैसा होगा। अगर बात करें उन लोगों की जो अभी अभी अपने वतन और अपने परिवार से मिले हैं, बात करें उनकी जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, और इस लॉकडाउन में सबसे बड़ी तकलीफ तो उन्हीं को ही हुई है। पर ना हम लोग तो रोज डालगोना कॉफी और कई तरह की रेसिपीज बना रहे थे। एक तरफ एक बाप पे गुजरती नहीं होगी कि उनके बच्चे अब जाएंगे कहाँ, उनके बच्चे खाना मांग रहे होंगे कहाँ, और जाए तो जाए भी कहाँ इस कोरोना काल क्रम में, और दूसरी तरफ हम अब भी कोरोना से जोक्स फॉरवर्ड करके मजे लेते रहे। हाँ, कुछ नेक बंदों ने मानवता के दर्शन भी दिए, और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी सोच इतनी बुरी कैसे है, हम इतने बेदरकार कैसे हो सकते हैं। क्या हमारी संस्कृति हमें यह स्वार्थ सिखाती है, या फिर हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए हमारी महान संस्कृति को भूले जा रहे हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।